पीएम मोदी टारगेट्स पाकिस्तान चाइना एट एनएमएफटी मीट के कीमत अदा करनी पड़े उन अकवाम को, उन ममालिक को जो के दहशतगर्दी की मदद या मुआवनत करते हैं। आपने पहले दहशतगर्दी को इंडस्ट्री बनाया, बहुत पैसा बनाया। नो मनी फॉर टेरर, इसके ऊपर उनकी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि इट वाज कॉस्ट ऑन नेशंस, कि उन कौमों पर और नेशंस पर जो है, उन्होंने कहा कि उसके लिए जो कौमें दहशतगर्दी को सपोर्ट करती। इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपिसेंटर करार, उन्होंने भी तकरीर की, उन्होंने भी मोर और लेस यही बातें की कि दहशतगर्दी जो है अभी तक एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कुछ रियासतें जो हैं अभी तक उनको सपोर्ट कर रही हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टी ये है कि आप दुनिया की करप्ट तरीन कौन। 70 से ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं और बहुत सी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिसमें FATF भी है, वो भी इसमें शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी, उसकी खारजा पॉलिसी के लिए दहशतगर्दी को वो इस्तेमाल करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और कुछ ममालिक हैं जिसमें वो चीन की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं। फिर पिंडी में क्यों डेरे डाल रहे हैं? वैसे एक सवाल है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसको युद्ध का आपका आप हालते जंग में हो गए। हम उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी जो है वो हमारे घर में घुस आए। 20 साल लगेंगे आपको अगर जूतों से मारे को पकड़ के, तो फिर ये ठीक। इस कॉन्फ्रेंस में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में, खबर इंडियन एक्सप्रेस की मेरे सामने मौजूद है, इम्पोज कॉस्ट ऑन नेशंस विच बैक टेरर, के कीमत अदा करनी पड़े उन अकवाम को, उन ममालिक को जो के दहशतगर्दी की मदद या मुआवनत करते हैं। पीएम मोदी टारगेट्स पाकिस्तान चाइना एट एनएमएफटी मीट, ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, क्या पाकिस्तान वाकई रियासती तौर पर ये सब कुछ करता है, या फिर इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपिसेंटर करार दिलवाने के लिए एक बड़ा ही मुनज्जम और कामयाब प्रोपेगेंडा किया पूरी दुनिया में, ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं आप वो सुने, और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया जा रहा। खबर आगे कहती है कि इन हिज इनॉग्रल स्पीच एट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस विच इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी सेड दैट इफ वी वांट आवर सिटीजंस टू बी सेफ वी कैन नॉट वेट अंटिल टेरर कम्स टू आवर होम्स, कि हम उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी जो है वो हमारे घर में घुस आए, यहाँ पर होने लगे, लिहाजा हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम अपने जो सिटीजंस हैं, अपने शहरी हैं, उनकी हिफाजत चाहते हैं। खबर के कुछ हिस्से मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन हिज रिमार्क Remarks aimed at Pakistan and China, Prime Minister Narendra Modi said on Friday that while some countries support terrorism as part of their foreign policy, others do so by blocking action against terrorists. Asking the world to unite against such overt and covert backing of terror, Modi said a cost must be imposed on such countries. मैं आपको इसको समझा देता हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी, उसकी खारजा पॉलिसी के लिए दहशतगर्दी को वो इस्तेमाल करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और कुछ ममालिक हैं जिसमें वो चीन की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं, कि जब अमरीका और इंडिया मिलकर कुछ इंडिविजुअल्स को ब्लैकलिस्ट करने के हवाले से, उन पर आलमी पाबंदियां लगाने के हवाले से कोई एक्शन लेते हैं, तो उसको ब्लॉक करता है चाइना बीइंग पार्ट ऑफ